नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। ये हिंदी चैनल है मेरा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं या थोड़ी बहुत समझते हैं, तो उनके हमेशा कमेंट्स आया करते थे, फोन आया करते थे कि आप इंग्लिश में सब टाइटलिंग करो। तो सब टाइटलिंग करना एक तो बहुत मुश्किल काम है मेरे जैसे नॉन टेक्निकल आदमी के लिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो सारा काम मरीज को देखते समय वीडियो बनाने से लेके शूटिंग करना, एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, टोटल काम मैं खुद करता हूं। जरा सी भी हेल्प मुझको कहीं से भी मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो भी काम है उसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें मैं किसी की हेल्प ले सकूं। ना मैं वीडियो बनाने में ले सकता हूं, ना एडिट करने में ले सकता हूं, ना वर्बेटम बनाने में ले सकता हूं। तो सारा काम मुझको खुद ही करना होगा और करना होता है। तो एक मान लो मैं 10 मिनट का केस है, यानी मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आया तो 10 मिनट मैंने उसको केस लेके दवाई दे दी। अब अगर मैं उसका वीडियो अपलोड करना चाहूंगा तो वो वीडियो कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.5 घंटे का बनेगा, और उसको फाइनल अपलोडिंग तक मुझे मोर देन 100 आवर्स बहुत डिफिकल्ट वर्क करना होगा। और उसमें सब टाइटलिंग करने के बाद भी उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी जो मैं बोल के आपको सिखाता हूं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि सब टाइटलिंग से अच्छा है मैं वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में अलग से शूट करूं, ताकि आप लोग उसको समझ सको और इस पैथी जो एनलाइटन होम्योपैथी है इसकी रीच पूरे वर्ल्ड में हर लैंग्वेज में हो जाए, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में बोली जाती। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल दूसरा बनाया है इंग्लिश वाला, एनलाइटन होम्योपैथी बाय डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। तो आप उसको विजिट करें और वहां वहां पे जो वीडियो अपलोड करें उनको आप देखें। ऐसा नहीं है जैसे मान लो ये कोनियम का केस है तो वहां भी कोनियम का ही केस होगा, पर जब वीडियो बनाए जाते हैं, कोई बात की जाती है, तो उसमें एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। तो जैसे अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो इसमें कुछ एक लीनियर थॉट मेरा चलेगा, तो मैं किस किस टॉपिक पे बोलना शुरू करूंगा बीच में केस के साथ साथ वो कुछ पता नहीं होता, वो प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित नहीं होता है। तो जब सेम केस को इंग्लिश में वीडियो के लिए मैं शूट करूंगा तो उस समय मेरे माइंड की क्या कंडीशन होगी, क्या नेचुरल फ्लो आएगा, वो मुझे भी नहीं मालूम होता। वो जब आएगा जब ही आएगा, इसलिए दोनों वीडियो बिल्कुल अलग बनते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बातें अलग होती हैं। तो हिंदी दर्शक भी जिनको इंग्लिश आती है तो वो वाला चैनल भी देख सकते हैं, उनको और ज्यादा लाभ होगा। और बाकी तो जो इंग्लिश आपके फ्रेंड हैं तो उन सबको एनकरेज करिए ताकि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी को सीख सकें। तो इसलिए मैं जितनी भी मेहनत हो सकती है वो मैं सारा मेहनत तो कर ही रहा हूँ, और लगभग अब तो सारा टाइम मेरा इसी काम में जाता है। अपने क्लिनिक वगैरह जितना भी है उसका जितनी मेहनत वहाँ मुझे लगती है उससे बहुत ज़्यादा कई सौ गुना मेहनत मेरी वीडियो बनाने में लगती है। और ये इसे जो है, जो इसके पीछे फोर्स है, वो सिर्फ इतना ही है कि समाज में होम्योपैथी डॉक्टर बहुत अच्छी होम्योपैथी सीख जाएं, करेक्ट होम्योपैथी सीख जाएं, ताकि मरीजों को बहुत जल्दी से और पूरे आत्मविश्वास के साथ ठीक कर सकें, तब समाज में होम्योपैथी की कोई प्रतिष्ठा बनेगी जो अभी बिल्कुल नहीं है। जो कि बहुत सारे होम्योपैथ मेरे इस बात से सहमत नहीं है कि प्रतिष्ठा नहीं है, बहुत सारे कहते हैं कि ये तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। खाली चीज जो है, अब समाज अगर ये जानता है
बढ़ रहा है हमारी तरफ आने के लिए, इसलिए नहीं बढ़ रहा कि हम बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी दवाई देते हैं, वो इसलिए बढ़ रहा है कि दूसरी तरफ उसका अल्टरनेटिव नहीं है, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सोल्यूशन लेने हमारे पास आते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट तो बढ़ रहा है वहां पर वो कब तक बढ़ेगा? अगर हम उनको अच्छे से कॉन्फिडेंटली ठीक नहीं कर पाएंगे तो गुडविल ये बढ़ता हुआ भीड़ ज्यादा दिन चलेगी नहीं, डूब जाएगा सब कुछ। तो इसलिए जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बने। उस प्रयास के कारण, उस इच्छा के कारण मैं ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो ये कमेंट्री थी, मोटिवेशनल स्पीच कही है आप इसको। तो अब केस पढ़ते हैं। तो ये महिला 24 नवंबर 2004 को मेरे पास आई थी और आज मैं वीडियो बना रहा हूं 24 अप्रैल 2020, यानी लगभग 16 साल के बाद। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं इसका वीडियो YouTube बन के भी वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो परमात्मा कब आपसे कौन सा काम कराते हैं या आप नहीं जानते, पर वो जो कराते हैं वो अच्छे के लिए होता है, वो कभी ना कभी काम आता है आपके लिए। तो इसलिए जीवन में जो कुछ होता है उसे आप मस्ती होके उसको एक्सेप्ट करें, वो हमेशा आपके हित में होता है, चाहे वो बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक आपको लग रहा हो। चलो केस देखते। डॉक्टर साहब, आपने मेरे पोते को बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये एक 50 साल की महिला है जो अपनी बहू के साथ मेरे पास दवाई के लिए आई हुई है। इससे पहले इसके पोते का इलाज हुआ था, वो ठीक हो गया था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रही है। डॉक्टर साहब, आपने मेरे पोते को बिल्कुल ठीक कर दिया है। उसको कितनी मुश्किल बीमारी थी, कितना इलाज हमने कराया था, जब से पैदा हुआ इलाज ही करा रहे थे, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल लाइलाज रोग था उसका तो, और वो आपने कितनी जल्दी ठीक कर दिया। तो उसने तो बिल्कुल, तो मेरी बीमारी भी आप ठीक कर दोगे? अब वो बीमारी बताते हैं, मुझे बवासीर है जी। जब मेरा लड़का पैदा हुआ था 28 साल पहले, तब ये बीमारी शुरू हुई थी। उसके बाद इसका कोई बेटा और बच्चा पैदा नहीं हुआ। शुरू शुरू में थोड़ा इलाज कराया था मैंने, अब तो जब मैं लैट्रिन जाती हूँ तो उसके बाद बहुत देर तक जलन होती रहती है, खुजली और दर्द के समय कमर दर्द भी होती है। मैं उसमें सरसों का तेल लगा लेती हूँ बवासीर में, तो खुजली में कुछ चैन आ जाता है, फिर भी जलन और दर्द तो 2 से 3 घंटे तक बना रहता है, बहुत तेज होता है, पर मैं कुछ करती नहीं हूँ। कभी कभी तो बवासीर में खून भी आता है, नींद मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, आधी रात के बाद जब मर्जी आँख खुल जाती है, घबराहट होती है, पेशाब जाती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ, फिर आकर बिस्तर में पड़ जाती हूँ, पर नींद नहीं आती, नींद उचटी सी रहती है, आंखों में नशा सा तो बना रहता है पर नींद नहीं आती। उसके काफ़ी देर बाद नींद आती है, पता नहीं कब आती है, अब पता नहीं डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है मुझको, बड़ी घबराहट सी तो रात को मुझे बहुत होती है। अपने सवाल जवाब नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें खुद ही बता रही है। मैं 7 साल से एक देसी दवाई खा रही हूँ, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रही हूँ, और टॉयलेट जाने के बाद उसे खाने से थोड़ा बहुत तो आराम मिलता है। वैसे मैं काफ़ी परहेज भी करती हूँ, मैं मिर्च, अरहर और मसूर की दाल, अजवाइन, उड़द की दाल वगैरह मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि उन सबसे मेरी बीमारी बढ़ जाती है। अभी मैंने एक ही सवाल किया है, अरे जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर आप खाती क्यों हो, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना। अजी मुझे पता है ना नुकसान तो करेगी, पर मन करता है, इच्छा होती है तो खा लेती हूँ। अच्छा, सिर में तिल का तेल लगाती रहती हूँ। मैंने कहा तिल का तेल क्यों लगाते हो सिर में? बवासीर में सरसों का तेल और सिर के अंदर तिल का तेल लगाती है, क्योंकि नॉर्मली सिर में हम लोग तिल का तेल नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर नारियल तेल लगाते हैं, सरसों का लगाते हैं, या बादाम रोगन लगाते हैं, या नारियल या आंवला तेल लगाते हैं, पर तिल का तेल सिर में हम बहुत कम लगाते हैं। तो पूछता हूँ भाई क्यों, ऐसा क्यों? सर, तिल का तेल लगाने से सिर दर्द नहीं होता है, तेल नहीं लगाया तो फिर जुकाम हो जाता है। अब समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली आपको तो पता ही है ना।
इससे टेंशन हो जाती है, अब आपसे क्या छुपाना, इसलिए तेल लगाती हूँ। अच्छा, मैं किसी भी बात को महसूस बहुत करती हूँ, पड़ोसी कुछ कहें तो सारा दिन रोती रहती हूँ, रात को सोती नहीं हूँ, कुछ बातें याद कर करके रोती हूँ। अब तो मैं अकेली हूँ, पति को तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं, अब यही लोग हैं, बेटा, बहू और पोता। मेरे मन में गुब्बार सा भरा रहता है, जब तक मैं लोगों को कुछ न कुछ सुना ना दूं, मन भारी रहता है। कहने से मन हल्का हो जाता है, और जब तक कहकर मन का गुब्बार ना निकाल लूं, चैन नहीं पड़ता है। बताना मतलब ये नहीं कि प्यार से नहीं बताते, उनका मतलब है कि उल्टा सीधा उनको जब तक खूब गाली गलौच ये वो डांट डपट ना कर लूं, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता, यानी बदला लिए बिना चैन नहीं पड़ता इसको, तो ये होता है मलिशियस। आगे वो अपना दुखड़ा रोती है। अब मेरे तो जी पियर वाले, पियर माने मदर की साइड से, इसके ससुराल वाले में भी मेरी कोई बात सुनता नहीं है, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। शुरू से ही जीवन दुखों में निकला है जी मेरा, तो मेरा तो पूरा जीवन ही दुखों में बीता है। मैं अपने दरवाजे के आगे गली में बैठी रहती, तो आस पड़ोस में औरतें आ जाती हैं, कुछ बातें होती रहती हैं, तो उनसे कुछ कहो तो कहती हैं, मुझसे क्यों कह रही है तू, अपने घर की बात जाके अपने घर में कर। अजी लोग झूठ बोकर मुकल जाते हैं, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं हमेशा सत्य पे रहती हूँ। ऐसा होता नहीं है, हर इंसान ही कहता है मैं सत्य पे रहता हूँ, ईमानदार आदमी, पर होता कोई नहीं है, क्योंकि तो परमात्मा ने बनाया नहीं है हमको, तो आप कैसे रह सकते हो। इसलिए मैं अकेली पड़ जाती हूँ, और फिर मेरा कोई साथ देता नहीं है। क्यों अकेली पड़ जाती है, क्योंकि ये सत्य पे रहती है, ऐसा इसको लगता है। जब ये मन का गुब्बार निकाल देगी, लोगों को उल्टा सीधा बोलेगी, तो फिर इसके साथ आएगा कौन, पर उसको कोई बात लगती नहीं है कि मैं उल्टा सीधा बोलना कोई खराब बात है। तब इसकी बहू बताती है, वो बड़ी समझदार महिला है, डॉक्टर साहब इन्हें तो सारा दिन औरतों के साथ गली में बैठकर बातें करने की बीमारी है, इनके सर पे तो जुनून सवार रहता है। अरे हम कहते हैं भाई ये छोटे लोग हैं, हमारे स्टैंडर्ड से बहुत कर नीचे हैं, ये हमारे मतलब के लोग नहीं हैं, इनसे बात मत करो। और फिर जब वो उल्टा सीधा बोलते हैं इनसे, फिर मुझे भी दुख होता है। मैं उनको कहती हूँ जब ये लोग आपकी कुछ सुनते नहीं हैं, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते, तो फिर तुम इनके पास जाती क्यों, मत जाओ। जब मैं ऐसा कुछ कहती हूँ तो फिर ये कुछ दिन रुक जाएंगी, और फिर से तो इनका एकदम से बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि हमारे कहने से अपने को जबरदस्ती रोक तो लेती हैं, पर इनका मन तो वहीं औरतों में ही पड़ा रहता है। फिर ये क्या करेंगी, अपने कमरे में ऊपर वाले कमरे में जाकर पड़ जाएंगी, वहीं पड़ी रहेंगी, ना किसी से बोलेंगी, ना बात करेंगी, बात बात पे गुस्सा करेंगी, ये खुंदक खाएंगी। इनके मन में जो एकदम खुंदक बनी रहती है, जैसे हमारा ये बेटा है छोटा, मतलब पोता, ये ऊपर जाएगा दादी के पास तो उसको भी गाली दे के भगा देंगी, ये जाएंगे, ये का मतलब बहू का पति यानी इसका अपना बेटा जो अकेला बेटा है जिसके पास ये रहती है, वो भी जाएगा माँ से कुछ पूछने के लिए तो उसको भी भगा देंगी। पर ये खाना खा लेती हैं, नखरे खाने में नहीं होते, तो एकदम से इनको इतना गुस्सा आता है, कहेंगी मुझको अलग कमरा ले दो, मैं तो अलग मकान में रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, किसी के साथ नहीं रहना मुझको। अब इतनी खुंदक रहती है, तो कहती है फिर मैं इनको मजाक में करती हूँ, जब इतना गुस्सा इनको रहता है तो मजाक में कहती हूँ, अच्छा चलो हम दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, तुम अलग कमरा ले लेना, मैं अलग कमरा ले लूँगी, ये बहू ये अपने बाप बेटे इस मकान में रह लेंगे। तो ऐसे इनके आगे हम बनते हैं, झुकते हैं, बिल्कुल गिड़गिड़ाते हैं, तब ये मानती हैं, फिर कुछ ठीक होती हैं, और 2 दिन बाद देखो तो फिर सड़क पर ही बैठी मिलती हैं। ये चलता है, तो पागल हो गई उन औरतों के लिए। अब ये जो सारा नरेशन हुआ, इसके कुछ रूब्रिक मैंने बनाए हैं, सुपरस्टिशियस सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट प्लेस फॉर 3 or 4 days ऑन सेम हेडेक ड्यूरिंग एंग्जाइटी नाइट मिड नाइट आफ्टर ऑन हाफ वेकिंग कैप्रीशियसनेस यील्डिंग डिस्पोजिशन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पैशनेट आर्डेंट ailment from celibacy, anxiety, continence prolonged from, mood repulsive, eccentricity।
तो इन सभी रूब्रिक, टोटल बिहेवियर, जो पेशेंट की पर्सनैलिटी थी, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना पेशेंट के पर्सनैलिटी और उसका बोलने का अंदाज, अटेंडेंस की रिपोर्ट, उन सब को मिला के देखा जाता है कि ये क्या दवाई हो सकती है। वो तभी होता है जब आप उसके सूक्ष्मता को समझते हैं, यानी एनलाइटेंड होम्योपैथी को समझते हैं। तो ये दवाई दी मैंने इसको कोनियम 30, और बाद में तो जो दिया जाता है वो आप सबको मालूम है। तो ये 24/11 के बाद 30 नवंबर को दोबारा आती है, यानी लगभग 6-7 दिन के बाद ही। वो कहती है मुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ना मेरे मन में ना शरीर में, सब कुछ वैसा ही है। अब इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए कि सब कुछ वैसा ही है। अगर आपकी दवाई ठीक है तो सब कुछ वैसा रहेगा नहीं। तो ये पहले तो आपको खुद कॉन्फिडेंट होना होता है कि मैंने दवाई दी है वो सही है नहीं है। तो अगर आप थोड़े भी कॉन्फिडेंट होते हो तो फिर आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करोगे, उसको प्रोब करोगे कि वास्तव में इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, यानी हमारी दवाई ने कुछ काम नहीं किया है, या इसको मरीज को समझ नहीं आ रहा, या और किसी वजह से ही ऐसा बोल रहा है या बोल रही है। तो जब इसने कहा कि मैं तो वैसे ही हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी बहू कहती है कि अब ये पहले से थोड़ा स्वभाव में नरम हो गई है और थोड़ा खुश रहने लगी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारी दवाई में नरम हो जाना और खुश रहना, ये बहुत बड़ा चेंज होता है जो हमारे एग्जैक्ट सिमिलिमम का सबूत होता है। पर पेशेंट जो होते हैं, जब इस किस्म के चेंजेस उनमें आते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि हमारी ये दवाई से हुआ है, क्योंकि वो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई दवाई के बाद आप माइल्ड हो जाओगे या चीयरफुल हो जाओगे या आपकी टेंशन कुछ कम हो जाएगी। तो ज़्यादातर नॉर्मली वो इस तरह ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई लोग ध्यान देते हैं तो वो कहते हैं मैंने अब टेंशन करना छोड़ दिया, अब कब तक जी टेंशन करता रहता जिंदगी भर, इतने सालों से तो कर रहे थे। पर अगर आप उससे पूछो भाई ये 4 दिन में ही तूने क्यों टेंशन करना छोड़ दिया और क्यों पिछले 20 साल से टेंशन करे जा रही थी, तो फिर वो उसके पास अजी वो कब तक करेंगे, अभी मैंने सोचा छोड़ दो। तो ये छोड़ दो नहीं होता, ये छूट गया है, ये दवाई का जजमेंट होता है, ऐसे करता हूं मैं जजमेंट। और दूसरा वो बताती है जी ये 4-5 बार अब तो लैट्रिन जाती हैं डेली दिन में, और फिर तो कुछ ना दर्द वर्द चिल्लाती नहीं है सारा दिन, क्योंकि पहले 2 से 3 घंटे दर्द रहता था, अगर अब 5 बार स्टूल जा रही है तो फिर तो इसका मतलब है 24 घंटे दर्द रहना चाहिए, जो उसकी तो ये बात कर ही नहीं रही है। तो जब बात नहीं कर रहा है मरीज उस बीमारी की, उस तकलीफ की जिसके लिए वो पहले बात कर रहा था, तो इसका मतलब है या तो वो बीमारी है नहीं या बहुत घट गई है, तभी वो बात नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसी से दुखी हो रहा होता तो सबसे पहले वो उसी की बात कर रहा होता। तो ऐसे आपको खुद ही जज करना होता है। तो इसलिए अभी मैंने इसको रूटीन दवाई दी। फिर ये आती है 10 दिसंबर, यानी लगभग 12-13 दिन के बाद। तो अब ये कहती है कि भाई अब मेरा दर्द कुछ पहले से कम है, और जी वो मेरे को ना औरतों को मैंने छोड़ दिया, मेरी उतना मन भी नहीं करता, वो सब गंदी औरतें हैं मेरे स्टैंडर्ड में, कहा छोड़ो जी क्या है, वह भी इधर नाराज होती है तो अब मैं उधर चाहती नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, पर इसको ये नहीं लगा कि दवाई से हुआ, इसको ये लगा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहू भी नहीं करती है, वो मेरे स्टैंडर्ड के भी नहीं है, जबकि पिछले 28 साल से तो वहीं बैठती थी। तो वो जो पैशन था वो खत्म हो गया इसका कोनियम के बाद। फिर ये आती है 26 दिसंबर को, मतलब 16 दिन के बाद। अजी मेरा मन तो पहले से बड़ा खुश रहता है, मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ जी, मैंने तो सब छोड़ दिया। एक तो जी मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसका पूरा टाइम चल रहा है, उससे काम होता नहीं है, तो मैं इसलिए उसका काम कराती रहती हूँ, उसके साथ मदद कराती रहती हूँ, और फिर नीचे मेरा दर्द भी कम है, पेट जो साफ है साफ हो जाता है अब, तो ऐसी तो कोई दिक्कत मुझे है नहीं, तो मैं अपना घर गृहस्थी में काफ़ी खुश रहती हूँ, मैंने तो छोड़ ही दिया, भाड़ में जाओ, ये औरतें उल्टी सीधी बोलती थी मुझे पसंद, अब बड़ा खुश है वो। पर उसको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारी दवाई से उसका थोड़ा दर्द कम हो गया है, बस इतना ही उसको समझ आ रहा है, बाकी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये एक टोटल नई पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, ये जरूरी होता है होम्योपैथिक सिमिलियम के बाद। तो अब ये सब इतना अच्छा हो गया, तो फिर ये कहने लगे भाई जो भी मैंने इसका
कहा कि भाई जो पेट वेट साफ नहीं होता है तो थोड़ा चल रहा। मैंने उससे पूछा भाई आपके दांत आपके अपने हैं क्या? तो इससे तो वो एकदम भड़क गई। मैंने इसलिए पूछा था भाई दांत आपके अपने हैं तो थोड़ा सलाद खा लो, क्योंकि जो आर्टिफिशियल डेंचर वगैरह होता है तो उनसे ज़्यादा कड़ी चीज़ें कटती नहीं है। तो इस पॉइंट से मैंने पूछा था, क्योंकि देखने में बहुत बुढ़िया लग रही है, 50 की नहीं लग रही है, वो 70 के आसपास की लगती है, तो इसलिए मुझे लगा। तो ये तो एकदम से भड़क गई। तो क्या कहती है, डॉक्टर साहब आपके दांत के आपके अपने नहीं है, आपने नकली लगा रखे हैं। मैंने कहा नहीं मेरे अपने हैं, मैं तो आपसे छोटी हूं, अब मेरे तो सारे दांत अपने हैं, मैं तो सब कुछ चबा लेती हूं, पर मैं जिंदगी भर दुखों से घिरी रही तो इसलिए मेरी शक्ल ऐसी हो गई है, इसलिए मैं इतना दुखी लग रही हूं, इतनी बूढ़ी दिख रही हूं, मेरी उम्र तो कुछ भी नहीं है अभी आपसे, मैं तो बहुत छोटी हूं आपसे, मेरी तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, छोटी उम्र में बच्चा हो गया, तो सारी जिम्मेवारी आ गई और तभी मेरी नौकरी भी लग गई, तो उधर नौकरी का बच्चे का घर गृहस्थी का मैंने तो कितना काम संभाला, सब दुखों में मरती रही मैं तो पूरी जिंदगी, इसलिए मेरी इतनी बुरी तरह से फट पड़ी है जैसे पता नहीं मैंने क्या इसको कह दिया हो। और फिर आगे बोलती है फिर जल्दी मेरा बच्चा हो गया, फिर इसको बीमारी लग गई, मैं तो सारी जिंदगी दुखों में ही गुजरी हूं, आप क्या जानो। तो ये सारा ग्रीफ्ट जो हुआ इसको, ग्रीफ की मैं गुजारी है जिंदगी इसने, और वही पुरानी बातों पर रोई जा रही है बैठी, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिग्रेबल डिसएग्रीबल ऑक्यूरेंस। अब वो इतने में नहीं रुकी, वो आगे आज के वर्तमान पे भी आ गई है। आज अब मेरा ना तो पीहर में कोई सुनने वाला, पीहर माने अपनी इसकी माँ के घर, ना मेरी ससुराल में कोई सुनने वाला। अब 50 साल की बुढ़िया को पीहर में यानी मायके में कौन सुनेगा उसकी, वो तो वहां तो गेस्ट है, वो तो उसका घर है ही नहीं, अब तो उसका यही घर है। पर इसको ये बात नहीं समझ आ रही है, ससुराल वाले क्यों सुनेंगे, उनके सबके अपने अपने परिवार होते हैं तो वो अपने परिवारों में मस्त हैं, तो इसकी देखभाल क्यों करेंगे, जबकि इसका जवान बेटा है, पोता है, बहू है, मतलब भरा पूरा परिवार है, ये खुशहाल परिवार है, पति को छोड़ के तो सब कुछ इसके पास है, और वो भी तो 5 साल पहले ही मरा है, अभी तो ऐसा नहीं है कि वो 28 साल पहले मरा था, तो सब कुछ होते हुए तो ससुराल वाले इसकी केयर क्यों करेंगे। पर इसको लग रहा है कि मेरी तो केयर करने वाला कोई है नहीं, मैं अलोन हूं दुनिया में। तो लड़के का काम भी अच्छा नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, अपना रोना शुरू कर दिया इसने। तो मैं इससे पूछता हूँ, अच्छा फिर जब ये था ऐसी जिज्ञासा, जब इतना थोड़ा मेरे को लगा कंसोल कर लेता हूँ, तो मेरे को लगा भाई आप जब पति आपके मरे गवर्नमेंट जॉब में थे तो आपके बेटे को नौकरी क्यों नहीं मिली? अरे लग जाती ना, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए थे, सारे पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए थे, तो फिर तभी उन्होंने कहा कि अब नहीं हो सकता। अरे हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, वो तो वह उन्होंने बताया कि मेरे बहनोई ने शिकायत कर दी है कि इस औरत की तो पेंशन आती है पति के मरने के बाद, इसको पेंशन आती है, तो जब पेंशन आएगी तो बेटे को नौकरी क्यों मिलेगी, इसका अपना मकान है, इसके लड़के की काम अच्छा है, वो भी नौकरी करता है, तो फिर इसलिए नहीं लगी। अब अगर इसका बहनोई इसकी इतनी ज्यादा शिकायत करके आया है तो बहनोई से भी तो लगती होगी ना इसकी, तो स्वभाव तो गंदा ही होगा। तो आपको क्या बताऊं, मेरा दुनिया में कोई है नहीं। जब लड़के की शादी हुई तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं और मेरा बेटा अकेले ही थे घर में, हम दोनों ने ही शादी करी है, ये कभी भी संभव नहीं है। तो ये बहुत भयानक ढंग से झूठ बोल रही है, ये गड़बड़ है। आप खुद ही समझे कि क्या हिंदुस्तान में माँ और बेटे अकेले होंगे शादी में, शादी वाले घर में कोई तो आएगा, कहता कोई शादी में आया ही नहीं हमारे, तो क्या ये दो ही लोग गए थे बारात लेके? तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है, उसको कुछ समझ नहीं है। अच्छा चलो खैर, तो इसमें दो रूब्रिक आते हैं, अफेक्टेशन और मैलिशियस। तो ये इसका केस है। तो कोनियम दिया, इसको फॉलोअप भी आपने देख लिया, मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो बहुत जरूरी है। एक तो मैंने लिया था इसका सुपरस्टिशियस, मतलब ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है सारे जो मैंने आपको बताए इतने सारे, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए,
ताकि आप किसी ढंग से रूब्रिक भी समझ सको और मेडिसिन की कुछ नेचर समझ सको, इसलिए इतने सारे रूब्रिक मैंने लिए हैं। पर जब पेशेंट को साथ में डील करता हूँ तो इतने रूब्रिक नहीं लेता हूँ, वहाँ एक दो रूब्रिक पे के बेस पे ही प्रिस्क्रिप्शन में देता हूँ, क्योंकि वो एक दो रूब्रिक ही उस मेडिसिन की जान होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उससे मैं चलता हूँ, वो भी बताऊँगा अभी मैं आपको। तो इसलिए मैं वन बाय वन रूब्रिक ले रहा हूँ जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये सुपरस्टिशियस है पहला रूब्रिक जो ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका पोता ठीक हो गया, उसको जन्म से इलाज करा रहे थे, लाइलाज बीमारी थी, वो मेरे से ठीक हो गई, तो बाई चांस तो किसी और से भी ठीक हो सकती थी, ऐसा नहीं है तो कि मैं ही काबिल आदमी हूँ, ऐसा नहीं है, काबिल हूँ वो अलग बात है, पर किसी से तुक्के से भी बहुत बार बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो अब ये कहना कि मेरे पोते को ठीक कर दिया जो इतना भयानक बीमार था, तो इसलिए आप मुझको भी ठीक कर दोगे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, हो भी सकती है ये और नहीं भी हो सकती है। तो दोनों की कंडीशन अलग है, कोई लॉजिक नहीं है कि पोता ठीक हुआ तो दादी भी ठीक हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सुपरस्टिशियस, कि आप ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अब दोबारा ऐसा हुआ रहा तो दोबारा भी ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं होता है, तो वो बाई चांस भी हो जाता। एक इसमें कोनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट प्लेस फॉर 3 or 4 days ऑन द सेम प्लेस हेडेक ड्यूरिंग। इसका मतलब है कि सिर दर्द के दौरान वो 4, 5, 6 दिन तक एक ही जगह बैठी रहना चाहती है। तो ये अगर हो सकता है फिजिकल हो, उसमें कोनियम में ऐसा होता हो कि दर्द इतना ज्यादा है कि उस जगह से वो हिलती नहीं है, पर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हम क्या लें वो जरूरी है, क्योंकि ऐसे केस हमारे पास आते नहीं है कभी भी कि वो हेडेक है। मेरे पास 40 साल में एक मरीज भी नहीं आया कि जिसको सर दर्द हुआ हो और वो 4 दिन 5 दिन एक ही जगह से हिलाई ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो इसको मेटाफोरिकल में बदलेंगे तो फिर डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। कैसे? अब हेडेक क्या है? हेडेक वो चीज होती है, जैसे कोई काम है आप उसको करना चाहते हो, हो नहीं पा रहा, तो आप कहते हो तो काम तो मेरे लिए सर दर्द बन गया है। कोई मनपसंद चीज नहीं है वो आपको करनी पड़ रही है, तो वो जैसे बोझा उठाना पड़ रहा है, उसको कहते हो हेडेक हो गया है। कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, यार दोस्त है, मिलने जुलने वाला है, आप उसको पसंद नहीं करते, उससे जान छुड़ाना चाहते हो पर वो बार बार आके आपके पास बैठ जाता है, तो वो आपके लिए हेडेक बन जाता है। जब आपको उसकी शक्ल देखते हो एकदम लगता रही है तो फिर मुसीबत आ गई सर को। तो हेडेक ऐसी समस्या है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, जो आपको तकलीफ दे रही है और उसको आप सॉल्व करना चाहते हो पर हो नहीं रही है, उसके लिए आपको बहुत सारा सोचना पड़ रहा है, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ रहा है पर हो नहीं, वो हेडेक कहलाता है। अच्छा, दूसरा इसमें और वर्ड है इनक्लिनेशन टू सिट, तो यानी ऐसा रुझान है कि मैं बैठ ही रहूं। तो बैठ ही रहूं का मतलब होता है कि बैठा कब कहा जाता है कि जैसे वो काम जब नहीं कर रहा होता इंसान, उसको कहते हैं बैठा रहता है, ये तो नौकरी छोड़ के घर बैठा है, जबकि वो घर नहीं बैठा होता तो सारे में तो घूम रहा होता है, मस्ती मारता हुआ या दूसरी नौकरी तलाश करता हुआ, ऐसे कुछ। तो सिटिंग मीन्स व्हेन इज नॉट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक विषय पे जिस पे उसको काम करना चाहिए उस पे काम नहीं कर रहा है, एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो, उसके जो डायरेक्टेड एक्टिविटी है जैसे नौकरी करनी है, नौकरी छूट गई, जब नौकरी लेनी है या कुछ और काम करना है तो उस दिशा में उसको काम करना चाहिए, नौकरी की तलाश या बिजनेस जो भी कुछ करना चाहता है, तो वो नहीं कर रहा है, उधर ध्यान नहीं है उसका, तो उसको कहते हैं बैठा हुआ है। तो इनएक्टिव है वो, एक्शंस मेजर नहीं ले रहा जो उस समस्या को, जो सरदर्द को सॉल्व कर सके। तो ये सिटिंग इंक्लिनेशन का मतलब है, कब? प्लेस फॉर 3 or 4 days ऑन द सेम, यानी जैसी हालात हैं उसके उसी जगह 4-5 दिन बैठा ही रहता है। तो इसका मतलब है कि उस दर्द, सर दर्द वाली अवस्था में, यानी जो प्रॉब्लम उसको तंग कर रही है, जिसको हटाना भी चाहता है पर उसको हटाने की दिशा में वो जरा सा भी कोई स्टेप नहीं ले रहा है और उसी समस्या के साथ जी रहा है और दुखी हो रहा है पर सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ये इस रूब्रिक का सटल मीनिंग हुआ, असली मीनिंग हुआ।
अब ये महिला भी क्या कर रही है, पिछले 28 साल से दो दो तीन तीन घंटे लेटरिन के बाद दर दर से तड़फती रहती है, पर उसके लिए ये कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ सरसों का तेल लगाती है। तो अगर सरसों के तेल से सही होने वाला होता तो 28 साल में कुछ तो हुआ होता, तो वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कुछ जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, किसी डॉक्टर से इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, या और नए डॉक्टर को दिखाना, वो ये सब नहीं कर रही। तो ये हुआ सिटिंग इन वन प्लेस फॉर 4-5 डेज, जो ये तो 28 साल हो गए हैं। और हेडेक कैसे हुआ, क्योंकि वो उससे बड़ी दुखी है और उसको हटाना भी चाहती है, पर हटाने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट काम वो कर नहीं रही है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आती है तो फिर हम कोनियम लगा सकते हैं, अगर उसके कुछ एक दो सिम्टम और मिल जाए तो, अकेले इसी पे नहीं। एक तो सीधा ही रूब्रिक था इसमें, एंजाइटी नाइट मिडनाइट आफ्टर हाफ वेकिंग ऑन, कि रात को जब पेशाब वेशाब करके आती है, बिस्तर पे लेट जाती है, घबराहट होती है, रोती रहती है, तो वो तो बिल्कुल सीधा एक्सप्लेनेशन है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारे को। लेकिन एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रूब्रिक है जो बहुत समझना जरूरी है, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी और एंग्जाइटी, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी अर्थात सेलिबेसी से एलिमेंट होना। तो अब सेलिबेसी नॉर्मली जो हम लोग कहते हैं कि वो जो बिना सेक्स के रहना होता है, वो सेलिब्रेट लाइफ लीड कर रहा है, यानी वो सेक्स की तरफ उधर जाता नहीं है, वो डेलिब्रेटली अपने आप को, या फिर उसको मिलता नहीं है सेक्स करने के लिए, दोनों ही सेलिब्रेट अवस्था है। अब सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है? दूसरा, हम कहते हैं कि कोनियम विडो और विडोअर की रेमेडी है, क्योंकि उनको सेक्स करने को मिलता नहीं है, पर दिल करता है, ये जरूरी है। तो अब दिल करता है सेक्स के लिए, यानी उसके अंदर सेक्स की अर्ज बहुत ज्यादा है, वो करना चाहता है, पर वो या तो उसके पास वो साधन नहीं है, मतलब आदमी है तो औरत उसको नहीं मिल रही है, औरत है तो आदमी उसको नहीं मिल रहा है, कोई साधन नहीं है। हाँ, तो वो साधन, वो अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो सेक्स कर नहीं पा रहा, यानी जो उसकी अर्ज है सेक्स करने की वो वहीं दबी पड़ी हुई है। अब इस महिला के साथ क्या था, इसको बाहर जब ये गली में बैठ जाती है तो वहां औरतें आती हैं, तो इसको वहां सारा दिन ये गप्पे मारती रहती है, जो भी करनी है बुराई शुराई जो भी कुछ करना है, ये वहां उन बैठ के गप्पे मारती है, और इसमें इसको बड़ा मजा आता है, क्योंकि औरतें इसको धुतकारती भी रहती हैं कि तू क्यों बता रही है हमारे को, अपने को बता, हमारे को क्या मतलब, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी ये उठ के नहीं आती है, उनसे दोस्ती तोड़ती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो अर्ज है उनसे बात करने की, जो इसको एंजॉयमेंट दे रहा है। तो ये हो गया, अब अवेलेबिलिटी है औरतों की, लेकिन अब इसकी बहू कहती है इसको कि बाहर मत जा, वो सब स्टैंडर्ड लोग हैं, तो वो इसको रोक देती है। तो 2 दिन 4 दिन तो ये नहीं जाती है बहू की बात मान के घर के लिए, पर वो तड़फ औरतों के लिए इसके अंदर रहती है, क्योंकि ये तो बताती है बहू कि ये तो 4-5 दिन में तो बहुत बुरी हालत इसकी हो जाती है, तो ये फिर बाहर ही भागती है, कोई बुलाने नहीं आया होता इसको कि मेरे के पास आ जाओ बात करो, तू क्यों नहीं आ रही, तो खुद ही जाती है उनके पास, जैसे सेक्स करने खुद ही जाना होता है। तो ऐसे प्रलोंग, तो जब 1 दिन 2 दिन तो ये रुक गई, 4 दिन 6 दिन जो भी होगा शॉर्ट पीरियड, पर जब इसको लगा तो कई दिन हो गए, कई दिन माने प्रलोंग्ड, वो कई दिन 2 दिन में या 2 साल में या 5 साल का सवाल नहीं होता है, प्रलोंग मीन जब उसको लगे अब तो बड़े दिन हो गए हैं, चाहे वो 4 दिन बाद लगने लगे चाहे 4 साल बाद लगने लगे, उसको प्रलोंग कहते हैं। तो जब इसको वो 4-5-6 दिन इतने लंबा पीरियड हो जाता है बात करे हुए, बाहर गली में जाए हुए, तब इसके अंदर बड़ी बेचैनी हो जाती है। तो ये इसमें रूब्रिक दिखाया गया है कि एंग्जाइटी कॉन्टिनेंस प्रलोंग फ्रॉम, अब कॉन्टिनेंस क्या है ये समझना होता है। तो जैसे हमारे नेचुरल अर्ज होती है, जैसे पेशाब जाना, लेट्रिन जाना, तो इनको हम मान लो हमको बहुत तेज इच्छा हो रही है जाने की, पर फिर भी हम अपनी विल पावर लगा के इन
इच्छाओं को काफी हद तक और काफी लंबे समय तक रोक भी सकते हैं ज्यादातर टाइम पे। तो यानी इनके ऊपर हमारा कॉन्टिनेंस है, पकड़ है इनके ऊपर। तो अगर लिए पकड़ हमको ज्यादा देर करनी पड़े, मान लो आपको टॉयलेट आ रहा, आपको थोड़ी देर रोका और रोका, उसके बाद आप नहीं रोक सकते, फिर बहुत भयंकर आज हो जाती है, फिर तो घबराहट होती है, फिर इधर भागते हो उधर भागते हो किसी तरह जल्दी चला जाऊं मैं। तो इसी तरह ये जो बाहर की औरतों के साथ जाके उसको जाना है, करना है, बात करनी है, गप्पे मारने, इसमें उसको मजा आ रहा है, लेकिन अब इसको उन शक्तियों को, उस अर्ज को जबरदस्ती रोक के रखना पड़ रहा है खुद को कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो मेरे को ऐसे कहते हैं, बहू ऐसे कहती है। तो पर इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी शुरू हो जाती है कि फिर बाहर भागती है। तो ये हुआ एंग्जाइटी कॉन प्रोलॉन्ग कॉन्टिनेंस फ्रॉम। तो ये दो बिल्कुल सेक्स से जुड़े हुए रूब्रिक को हमने मेटाफोरिकली बिल्कुल डे टू डे लाइफ के रूब्रिक में बदल दिया है। तो ऐसा आप कहीं पर भी ले सकते हो। मान लो कोई फ्रेंड है, उसको बिल्कुल दूसरे दोस्त से बड़ी जबरदस्त वो है, यारी है उसकी, अब उसके बिना वो रह नहीं पाता, तो हमेशा उधर ही भागेगा। एक दो दिन मान लो नाराजगी हुई, माँ बाप ने रोक लिया, एक दो दिन रोक लिया माँ बाप के कहने से तो रुक गया, तो लेकिन दो चार दिन के बाद तो फिर उधर ही भागता, बड़ा बेचैन हो जाता है कि यार उससे नहीं मिला, उससे नहीं मिला। तो वो जो अपनी प्यारी चीज है, जो बिल्कुल उसको, उससे मिलके उसको मजा आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, एक पैशन जैसे है कि नहीं वो तो नहीं मिला, तो जैसे पता नहीं क्या दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, और फिर वो ना मिले तो फिर घबराहट होती है, उसी से एलिमेंट आती है। तो ये हर फील्ड में हम इसको लगा सकते हैं, खाली सेक्स। इस तरह हम जब सूक्ष्मता में जाएंगे तो रूब्रिक्स के मीनिंग को बहुत ब्रॉड कर देंगे, और फिर छोटी छोटी घटनाएं जो लोग बताते हैं उनके बेस पे भी हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे। अब बाकी बहुत हैं, मलिशियस है, एक्सेंट्रिक है, फलाना है, वो सब तो ऐसी चीजें जो नॉर्मली मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, तो उनमें समझने की ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो और इतना डिटेल में सूक्ष्मता में उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रूब्रिक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये जो कोनियम का केस है समझ आया होगा। अब कोनियम आप सिर्फ विडोअर विडोवर तक या स्टोनी ग्लैंड्स तक, वहां तक, या कैंसर तक, वहां तक ही सीमित नहीं रखोगे, अब इसको जुकाम से लेके कैंसर तक हर फील्ड में आसानी से मेल फीमेल विडो मैरिड न्यूली वेडेड सब पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये खूबी है सूक्ष्मता की। धन्यवाद।